हफ्ता काम करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना एक वीकेंड गेटअवे हो जाए, और इंस्टेंटली मेरे माइंड में एक जगह आई जो कि अपने वीकेंड गेटअवेज के लिए काफी ज्यादा फेमस है। मैं बात कर रही हूँ गुड़गांव में सिचुएटेड कर्मा लेक लैंड्स की। तो मैंने अपनी जर्नी सुबह सुबह नोएडा से स्टार्ट करी लगभग 10 बजे, और इस समय 12 बज चुके हैं, और हम विद इन 2 आवर्स की ड्राइव करके कर्मा लेक लैंड्स फाइनली पहुंच चुके हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं कर्मा लेक लैंड्स के एडवेंचर को। फाइनली हम लोग कर्मा लेक लैंड्स आ गए हैं, लेकिन विला में चेक इन करने से पहले बहुत भूख लगी है, सो लेट्स हैव सम ब्रेकफास्ट एट द ऑन कोर्स रेस्टोरेंट एट कर्मा लैंड्स। ब्रेकफास्ट कर लिया है, पेट काफी भर गया है, एंड नाउ वी गोइंग टू चेक इन टू आवर स्पेशल किंगफिशर विला, एंड देन उसके बाद मैं आपको रूम टूर दिखाऊंगी। हेलो एंड वेलकम टू माय विला, लेट मी टेक यू ऑन अ टूर। सो सबसे पहले इस विला में घुसते ही, पहले तो इस विला का नाम है किंगफिशर विला, यू विल गेट एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस टू कीप एंड चिल। वेल, लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ द विला की तरफ मैं आपको ले चलती हूँ, विच इज दिस फैब्यूलस लिविंग रूम। वेल, इस विला का डेकोरेशन इतना सुपर्ब है कि आई वॉज कम्प्लीटली ब्लोन अवे। वेल, इस ब्यूटिफुल लिविंग रूम के साथ साथ डाइनिंग स्पेस भी है, विच कैन अकोमोडेट अ रेंज ऑफ 7 to 8 पीपल ईजिली। सो अगर आप वीकेंड गेट अवे कुछ भी प्लान करें हैं दिल्ली NCR अदरवाइज आगरा के आसपास, सो आई थिंक दिस विला इज परफेक्ट फॉर 7 to 8 पीपल। सी ऑन द ब्यूटिफुल लेक बिसाइड्स द विला, ऑल्सो यू गॉट सम सीटिंग। You can enjoy the gorgeous view इस आम के पेड़ के नीचे लेक के साइड में। लेक के किनारे रेस्टोरेंट क्या आप दिल्ली NCR में इमेजिन कर सकते हैं? Well, yes, we have a lakeside restaurant in Delhi NCR's Manesar's Karma Lakeland. And today we have come here to taste the food and also enjoy the lake view. So to have lunch at this weekend getaway, this lakeside restaurant is the perfect place. Even if you're not coming to stay over, you can have that perfect lunch. My God, so my favorite paella is here, and I can smell the prawns already. They look fab. And not to forget, my green margarita drink is also here, which perfectly matches with my dress. So let's do the tasting now. इवनिंग में स्विमिंग भी कर ली और रिलैक्स भी कर लिया, नाउ इट्स टाइम टू अनवाइंड इन द नाइट एंड हैव सम मॉकटेल्स एंड कॉकटेल्स एंड हैव अ डिनर एट द AKS बार एट द कर्मा लेक लैंड्स। तो अगर आप कर्मा लेक लैंड्स आते हैं देन यू आर टोटली सॉर्टेड, यू गॉट ऑल द एक्टिविटीज कवर्ड, यू कैन हैव लंच एट द लेक एंड देन यू कैन हैव योर डिनर, चिल एट द पूल टेबल, देन ऑल्सो चिल एट द बार, have some drinks, relax and have the dinner at the same time. So now ab main dinner karne ja rahi hu aur thoda pool bhi khelungi. So see you in the morning. Day 2 of Karma Lake Lands experiences. So follow me with that.
हम लोग अपनी मॉर्निंग यानी सुबह की शुरुआत जो है एनिमल फार्म के साथ कर रहे हैं. इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस वेयर यू कैन विटनेस ऑल काइंड ऑफ एनिमल्स. यहाँ पर भेड़, बकरियाँ, डक्स, कई सारे हॉर्सेस, गाय, बहुत सारी चीज़ें हैं. सो अगर आप अपने फैमिली या अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं सो इट्स अ मस्ट हैव एक्सपीरियंस. जो आप कहीं भी दिल्ली NCR में आपको ये एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा. तो बी फार्मिंग भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है. यहाँ पर बीज को फार्म किया जाता है डायरेक्ट शहद यहाँ से, जो यहाँ का रेस्टोरेंट है वहाँ पे यूज़ किया जाता है. सो इट्स अ फार्म टू फोक एक्सपीरियंस. तो मैं भी ब्रेकफास्ट में जो पैनकेक्स खाऊंगी और उसके ऊपर जो हनी ड्रिजल करूंगी वो डायरेक्टली यहाँ का होगा. तो सरसों के खेत से होते हुए एकदम DDLJ वाली फीलिंग आ रही है. और अब मैं आ गई हूँ फार्म टू फोक एक्सपीरियंस लेने के लिए कारमा लेक लैंड्स के वेजिटेबल फार्म पर, जहाँ पर मैं खुद मिट्टी से सब्जियाँ निकाल करके, ये मैंने अपनी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि इतनी फ्रेश प्रोड्यूस मुझे मिल सकती है. मेरा वीकेंड गेट अवे मेरी फेवरेट प्लेस कारमा लेक लैंड्स में. जैसा आपने देखा मैंने खूब एंजॉय किया. ढेर सारी एक्टिविटीज हैं जो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं. सो डेफिनेटली कम हियर. वेल फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग ट्रेंड्स 9 एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल. टिल देन सी यू.